नमस्कार, कुमार रोशन, बीएनपी न्यूज पटना। और आज मैं आया हुआ हूँ एक्स विधायिका तारा गुप्ता जी के पास और उनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या कोरोना काल में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप थोड़ा मैम बताइए कि कोरोना काल में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जगह तो कोई निश्चित नहीं है, कोई चीज निश्चित रहता तो आदमी बढ़ा सकता है, लेकिन तो निश्चित ही तो बढ़ता जा रहा है संसार में की तरह। जब हम लोग लॉकडाउन का टाइम रहता है फिर बढ़ जाता है, ऐसे में कुछ दिन तो हटा के मेरा मतलब 2-3-4 महीना एवॉड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन तो फिर टाइम पर होना ही चाहिए। ओके, अभी बाढ़ की स्थिति बढ़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? बाढ़ तो अपना यथावत टाइम पर आएगा, यथावत टाइम पर चला भी जाएगा। अभी ही पानी गंगा जी का कुछ कम भी होना शुरू हो गया है, तो वो तो हमारे ख्याल से 1 महीना में पानी यथावत ठीक हो जाएगा। और अभी बाढ़ से इलेक्शन को कोई हानि नहीं होगी हमारे ख्याल से। इस बार 15 साल से बिहार में नीतीश सरकार राज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? कोई नया चेहरा को आप देखना चाहती हैं? बिहार की जनता का डिमांड है कि कोई नया चेहरा आए, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, चेहरा तो कोई काम नहीं करता है, काम तो उसका ब्रेन करता है। तो वैसे ही लोग पब्लिक चाहती है कि ना थोड़ा सा काम रुष्ट हो जाता है कि नहीं सरकार ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत अधिक जिम्मेवारियाँ हैं। जहाँ पर कोई गलती है उसको इंगेट करना चाहिए, हम लोग को पॉइंट आउट करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए कि गलती इसने की, ऐसा नहीं तुम सरकार से ही उतर जाओ। ऐसे करने कौन जानता दूसरा आएगा तो उससे भी खराब हो जाए, इसलिए पहले चीज़ को संभालना चाहिए। जो चीज़ ख़राब है उस पर उंगली दीजिए, उसके लिए बोलिए, उसके लिए मीटिंग कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए कि नहीं ये चीज़ आपका गलत है, ये नहीं कि आप फटिए जाइए, इसकी कोई निदान नहीं है। आपका नाम कला के क्षेत्र में पूरे बिहार में नाम है, आपका जो तारा संगीत परिषद है वह कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप तो जान रहे कोरोना की वजह से उस पर भी हमने मना किया है कि अभी सब सारे बच्चे इकट्ठे नहीं हों, मना किया है। लेकिन अभी पहले हर सप्ताह में 2 दिन होता था, अभी महीना में 1 दिन कर दिया उसको, ये लोग भूले नहीं, याद रहे महीना में 1 दिन होता है। तो संस्कृति है, कला संस्कृति देश के प्राण है, इसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिंदा रखने के लिए थोड़ा कम कर दिया गया है, हल्का कर दिया गया है, और चल चल रहा है सब कुछ। थोड़ा आपकी सप्ताह में पहले 2 दिन तक चल रहा था, सप्ताह में 1 दिन, इधर इधर 15 दिन पर इधर 1 दिन कर दिया गया है, भी होता रहे भी होता रहे। आपकी क्या तैयारी चल रही है? क्या सुनने में आ रहा है कि इस बार इलेक्शन में टिकट लेने की संभावना आपकी बन रही है, दाव पेच आप लगा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है? हम तो देखिए सदैव ही एक्टिव रहे हैं, सब वर्ष में 4-4 कार्यक्रम करना, श्रावणी महोत्सव, होली महोत्सव, नर्मदा प्रतियोगिता, एक्टिव तो पूरा है। हमको वैसा नहीं कुछ है कि इतना दिन हो गया तो हम थोड़ा शिथिल हो गए, हम अधिक से ज़्यादा अधिक हैं, और हम ज़्यादा प्रयास ही नहीं करते बार ठीक। हमको लगता है कि अगर हम योग्य हैं और अच्छे हैं तो कोई पार्टी है हमको अपने स्वागत करे, तो हमको टिकट से बुला कर बात करें। हम बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहते, टिकट मिले मिले ही आए बाएँ इधर से करके तोड़ जोड़, ऐसा हम नहीं करें। सीधे साधे आदमी हैं हम, अच्छे अगर हैं तो पार्टी हमको टिकट देगी, हम लड़ेंगे। 2 शब्द हमारे चैनल को बताएं, हमारा चैनल के बारे में बताएं, बीएनपी न्यूज चैनल को संदेश कुछ आप दे पब्लिक को। मुझे आज पहली बार इससे सामना करने में बहुत खुशी हो रही है, और चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से चलता रहे और सच्ची सच्ची बात को सामने पब्लिक के सामने लाए और